हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। और अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रभुपाद जो हैं बावरी में ठहरे हुए थे एक लड़के के साथ जिसका नाम था डेविड एलन। और ये जो डेविड एलन है उसने जो है चरस गांजे के असर में आके प्रभुपाद के साथ झगड़ा करने लग गया। वो बिल्कुल पागल की अवस्था में था, वो प्रभुपाद पे आक्रमण कर सकता था। तो प्रभुपाद वहां से निकल जाते हैं और जब वो नीचे उतरते हैं तब उनको ये नहीं मालूम होता है कि मुझे कहाँ जाना है। तो ऐसे परिस्थिति पे थे। तो अभी हम इससे पीछे देखेंगे तो इससे पहले प्रभुपाद जी दूसरे कमरे में थे जहाँ स्टूडियो जैसा कमरा था, 304 नमाक क्रमांक का कमरा था वो, जिसको बोलते हैं सिर्फ 8 बाय 8 फीट का कमरा था जिसमें कुछ वेंटिलेशन नहीं था। उधर कोई खाना नहीं बना सकता था, वहाँ स्नान करने का कोई सुविधा नहीं थी, टॉयलेट नहीं था। तो प्रभुपाद वहाँ से जो है मिश्रा जी के इधर जाते थे कमरे में स्नान करने के लिए, रसोई बनाने के लिए। और उससे पहले जो है प्रभुपाद मिश्रा जी के स्टूडियो में थे जहाँ पे वो मायावादी थे, वो उनको बोलने प्रवचन करने नहीं देते थे। उससे पहले प्रभुपाद सैली अग्रवाल के घर पे थे जहाँ पे वो लोग नॉनवेज खाते थे। सैली अग्रवाल और उनके पति गोपाल सिगरेट पीते थे और वगैरह वगैरह सब चीजें। और उससे पहले प्रभुपाद जो है जलदूत पे थे जहाँ पे उनको हार्ट अटैक आया था। तो अभी हम देख रहे हैं सिर्फ अमेरिका में और अग्रसर होते हुए स्टार्ट करते हुए कितना उनको संघर्ष देखना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि उससे पहले उनके जीवन में संघर्ष नहीं था। अगर आप देखें कि संन्यास लेते समय वो अकेले थे, वानप्रस्थ के रूप में वो पूरे जो है वृंदावन में और दिल्ली में कोशिश कर रहे थे अपना बैक टू गॉडेड मैगजीन बांटने का। उससे पहले गौड़ीय मठ में थे जहाँ पे उनको रहने नहीं दिया गया। उससे पहले झांसी में थे जहाँ वो एक सेंटर चालू करना चाहते थे लीग ऑफ डिवोटीज, वो असफल हुआ। और बिजनेस में भी देखा, हमने देखा उसका कैसा उनका नुकसान हुआ है। और उनके परिवार में उनकी खुद की जो बीवी थी प्रभुपाद की, जो चाय पीती रहती थी, उसको जपा में कोई रुचि नहीं था, उसको भक्ति में कोई रुचि नहीं था। तो अगर हम देखेंगे ये पूरा उनका जो मैंने आप लोगों को अभी बैकग्राउंड दिया है तो कोई सोचेगा अरे जीवन में इनके जो है असफलता ही असफलता देखी है, परिवार में असफलता, धंधे में असफलता, अभी जब भक्ति में जुड़े हैं तो झांसी गौड़िया मठ अकेले वृंदावन में जो है संघर्ष कर रहे थे। और जब से अमेरिका है संघर्ष संघर्ष, यहाँ तक कि अब यहाँ पे इस पागल व्यक्ति के साथ रह रहे थे जो उन पे आक्रमण कर रहा था और वो निकल गए। तो ये मुझे बताने का आप लोगों को उद्देश्य ये है कि मैंने आप लोगों को प्रवचन में पहले बताया जो प्रभुपाद बोलते हैं, जब माँ को अपनी बहू को कुछ सिखाना हो तो अपनी बेटी को सिखाते हैं, क्योंकि बहू उनकी बेटी नहीं है तो इसलिए बेटी को वो है डांट फटकार सकते हैं पर बहू को डांट फटकार नहीं सकते। इसलिए अगर बहू को सिखाना है तो बेटी को चिल्लाते हैं, बेटी को सुनाते हैं और बेटी के द्वारा बहू सुन लेती है। वैसे ही प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त जो है बेटी के समान है। और कृष्ण भगवान अपने ऐसे बेटी ऐसे बेटे जो प्रभुपाद हैं, जो उनके भक्त हैं, उनके जीवन में इतनी मुश्किलें डालते हैं जिससे हम सब जो भक्ति करना चाहते हैं वो देख के चौंक जाते हैं। हम बोलते हैं अरे बाप रे, प्रभुपाद जैसे आचार्य हैं उनके जीवन में इतना कुछ हो गया तो हम किस खेत की मूली हैं। तो हमारे जीवन में थोड़ा कुछ ठीक नहीं होता तो हम लोग विचलित हो जाते हैं और हमारी सहनशीलता हट जाती है और हम कुछ बोलने लगते हैं। अब प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे थे सैली अग्रवाल, जो उनके जो नॉनवेज खाते थे, उनके फ्रिज में नॉनवेज रहता था। अभी हमें कभी कभी छोटी छोटी चीजों से हम विचलित हो जाते हैं और प्रभुपाद ने देखिए कितना सहन किया। और प्रभुपाद खुद ऐसे थे जिन्होंने जीवन पर्यंत कोई भी चार नियम का उल्लंघन नहीं किया। वो प्रामाणिक साधु थे, प्रामाणिक भक्त थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे वो। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में इतना सहन किया। लोग सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे। अभी प्रभुपाद जितना समय बावरी में ठहरे वहां प्रभुपाद सबके साथ रहते थे। वो लोग कौन थे? सब चरस गांजा पीने वाले, ऐसा नहीं सिर्फ शराब पीने वाले या सिगरेट स्मोक करने वाले।
मैं जहाँ पे रहता हूँ मेरे नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में लोग सिगरेट स्मोक करते हैं, उसका धुआं ऊपर आता है तो मैं बड़ा कभी कभी विचलित हो जाता हूँ। तो सोचिए, प्रभुपाद जिनके साथ रहते थे सब चरस गांजा पीने वाले लोग थे, ड्रग्स वाले, लेकिन प्रभुपाद उनको भी सहन किए और भक्ति किए। अब यहाँ पे बताते हैं कि प्रभुपाद ने निश्चित किया था मैं डेविड एलन के पास तो नहीं रहूंगा। अभी कहाँ जाने का है प्रभुपाद को, प्रभुपाद कुछ सोच रहे थे। तो प्रभुपाद पे ऐसा आक्रमण हो गया था एक पागल व्यक्ति का चरस गांजा के नशे में, तो ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है, प्रभुपाद सोचने लगे मेरे रहने के लिए। तो अभी प्रभुपाद सोच रहे थे क्या मिश्रा जी को फोन करूं जिसके स्टूडियो में पहले रहता था, पर उसको उनको तो मैं छोड़कर आ चुका हूँ और वहां पे वो मायावाद का प्रचार कर रहे थे, तो वो जगह तो ठीक नहीं है। अभी मैंने इतने महीनों से जो है थोड़े यहाँ के विदेशी लड़के लड़कियों को प्रचार किया है, वो लोग जप कर रहे हैं, वो लोग श्रवण कर रहे हैं, ये सब खत्म तो नहीं हो जाएगा। प्रभुपाद के मन में शंका आने लगी क्योंकि मेरा भी तो एक ही जगह था रहने का, वो भी चला गया। 9 महीने मैंने अमेरिका में प्रचार किए और अभी मुझे क्या ये प्रचार बंद करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जो थे वृंदावन में एक जो सन्यासी थे उनको इतना सम्मान दिया जाता था और वो इतने बड़े पंडित भी थे क्योंकि इतने बड़े स्कॉलर थे, उनको इतना भागवतम का पूरा ज्ञान था उनको। और हम जानते हैं कि प्रभुपाद ने विशेष रूप से अमेरिका जाने से पहले जो है पूरा भागवतम का पहला स्कंद जो 3 भाग में है वो उन्होंने लिखा था। तो प्रभुपाद को कल जब पूछा गया था कि आप अमेरिका जा रहे हैं तो प्रभुपाद बोले थे नहीं, प्रभुपाद बोल रहे थे भागवतम अमेरिका जा रहा है और मैं भागवतम का दास बन रहा हूँ और भागवतम को अर्थात कृष्णा को अमेरिका लेके जा रहा। तो देखिए प्रभुपाद की श्रद्धा सिर्फ पहले स्कंद भागवतम में इतनी थी। प्रभुपाद को मालूम था ये जो भागवतम है वो कृष्ण के समान है, तो जब भागवत की सेवा करते हैं तो हम कृष्ण की सेवा करते हैं उसके समान। तो अभी यहाँ बता रहे हैं कि भारत में प्रभुपाद जो है प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, प्रेसिडेंट से मिले थे, और अमेरिका में ये हालत था उनका कि वो ऐसे चरस गांजा पीने वाले लोगों के बीच में बैठे हुए थे। तो प्रभुपाद का कितना प्रभुपाद ने जो है मुश्किलें अमेरिका में देख रहे थे और प्रभुपाद को समझ में आ रहा था कितना मुश्किल है प्रचार करना विशेष रूप से अमेरिका में। तो प्रभुपाद ने जब बॉस्टन के हार्बर में, हार्बर मतलब जहाँ पे वो जहाज पहुंचा, वहां पहुंचते ही उससे पहले प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखा था, एक प्रार्थना लिखी थी भगवान कृष्ण को, और उस प्रार्थना में लिखा था प्रभुपाद ने कि आपका कुछ उद्देश्य होगा तभी आप मुझे ऐसे भयंकर जगह पे लेकर आए। हाँ प्रभुपाद लिखते हैं, यू हैव ब्रॉट मी टू दिस टेरिबल प्लेस। तो अधिकांश लोग अमेरिका जाने के लिए ललायत रहते हैं, लंदन जाने के लिए ललायत रहते हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं ये भयंकर जगह है। एक रिपोर्टर ने पूछा, आपने लंदन में प्रभुपाद प्रोग्राम कर रहे थे कि नर्क है क्या, रिपोर्टर ने पूछा। तो प्रभुपाद ने बोला लंदन नर्क नहीं है तो और क्या है। तो रिपोर्टर थोड़ा घबरा गया, तो रिपोर्टर बोला अरे प्रभुपाद लेकिन यहाँ तो बहुत हरियाली है लंदन में। तो बोला ठीक है हरियाली है तो मतलब हरा नर्क लो, लेकिन है ये नर्क के समान ही, प्रभुपाद ने जवाब दिया। तो जहां पे भगवान की हरि कथा नहीं हो रही हो, जहां भगवान की सेवा नहीं हो रही हो, जहां वैष्णव का संग नहीं हो रहा हो, तो वो जगह भले ही स्वर्ग लोक के समान खूबसूरत ही क्यों ना हो, एक भक्त के लिए वो जगह का कोई ज्यादा मूल्य नहीं है। तो अभी यहाँ पे एक और चीज ये डेविड एलन के बारे में बताते हैं कि उसका हमेशा आदत रहता था स्नान करने के बाद साबुन जो है नीचे छोड़ देता था जमीन पे, तो उससे पूरा का पूरा जो जमीन है वो चिकना हो जाता था और चिकना होने के कारण कोई भी गिर सकता था। और प्रभुपाद तो 70 साल की उम्र के थे, तो प्रभुपाद उनको प्यार से कितनी बार समझाए कि ये सही नहीं है, ऐसे साबुन नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन डेविड जो है कभी सुनते नहीं थे, यहाँ तक कि वो एक बार क्रोधित भी हो गए प्रभुपाद पे। तो प्रभुपाद को ये सब सहन करना पड़ा प्रचार करने के लिए। अभी प्रभुपाद को एक मन में आया कि चलो मैं स्किंडिया लाइन पे चला जाता हूँ और वापस में वृंदावन चले जाऊं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा नहीं नहीं मुझे यहाँ मेरे गुरु महाराज ने भेजा है प्रचार करने के लिए, और उनका ये था कि पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गया, कि सब जगह चैतन्य महाप्रभु का प्रचार होना चाहिए।
तभी प्रभुपाद को रात होने से पहले कोई जगह ढूंढना था जहां वो जो है अपना रहने का स्थान ढूंढ सके। तो अभी प्रभुपाद सोचने लगे कि देखिए, जब कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता, कोई धार्मिक संस्था सपोर्ट नहीं करता है, कोई डोनर आपको सपोर्ट नहीं करता, तो देखिए कितनी आपकी परिस्थिति नाजुक हो जाती है। और प्रभुपाद ने ये चीज देखा जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रभुपाद सोच रहे थे कि ये जो मुसीबत का समय मेरे जीवन में आया है, ये कृष्णा भगवान की परीक्षा है मेरे लिए। तो ध्यान रखिए, जब भी हमारे जीवन में मुश्किल समय आता है, तो जब वो मुश्किल समय आता है तो हमें समझना चाहिए ये हमारे लिए कृष्ण भगवान परीक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे परीक्षा के समय में हम सहनशील रहते हैं, हम जो है अपना मन पूरी तरह से कृष्ण के सेवा में लगा के रखते हैं और नम्र बने रहते हैं, तो हम परीक्षा में जो है पास होते हैं। हमने एक सुना था भागवतम में वाक बानेर शब्द का प्रयोग आया है। वाक बानेर मतलब जो शब्द हैं वो बाण के समान होते हैं। आज हम लोग सुनेंगे वाक वज्र, मतलब एक तो बाण है, बाण से बढ़कर होता है वज्र। वज्र मतलब जिसे थंडर बोल्ट बोलते हैं, जो इंद्र का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है उसको वज्र बोलते हैं। तो बोलते हैं हमारे शब्द वज्र के समान भी हो सकते हैं। बाण तो सुना था, पर आज हम लोग जब भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा वज्र भी हो सकता है कि जब आप गलत शब्द प्रयोग करते हैं, सामने वाले का पूरा अस्तित्व नाश हो जाएगा। इतने शब्दों में शक्ति होती है। जब हम आध्यात्मिक शब्द बोलते हैं तो लोगों का आध्यात्मिक जीवन की उन्नति होती है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग करके हम गलत शब्द बोलें, तो उस गलत शब्द बोलने से जो है किसी का पूरा जीवन विध्वंस हो सकता है। इसलिए हमें शब्दों को बहुत सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। गीता में बताया है कि हमें पूरी तरह से कृष्ण के शरणागत होना चाहिए और कृष्ण के शरणागत होते हुए हमें कार्य करना चाहिए, और भगवान हमें हर मुश्किल की परिस्थिति में भी बचा लेंगे। तो प्रभुपाद के एक शिष्य थे जिनका नाम था काल। तो प्रभुपाद ने सोचा मैं उसको फोन करता हूँ, और प्रभुपाद ने उनको बताया कि मैं जो है यहाँ से उतर कर आ गया हूँ और मैं अभी रास्ते पे हूँ, मैं वापस नहीं जा सकता। तो काल जो है उनके शिष्य थे। अभी देखिए, प्रभुपाद इतने बड़े सन्यासी थे और उनका इतना आध्यात्मिक शक्ति था, तो निश्चित रूप से कई लोग उनके तरफ आकर्षित हुए ही होंगे, जब भले ही वो लोग उधर के थोड़ा चरस गांजा पीने वाले थे या ये थे, क्योंकि प्रभुपाद का ऐसा आध्यात्मिक शक्ति था। तो तुरंत आए वो प्रभुपाद के पास और अपने मकान में प्रभुपाद को लेके गए। तो वहां पे वो और उनकी जो है बीवी रहती थी, तो वो दोनों साथ में रहते थे। ईवा करके उसकी वाइफ का नाम था। तो ये जो जहाँ रहते थे वो पिछले जगह से थोड़ा बेहतर था, वर्णन किया गया है, थोड़ा वहाँ ज्यादा प्रकाश था और वो बावरी से तो थोड़ा बेहतर जगह था। और वो काल वापस गया डेविड एलन के पास और प्रभुपाद के कुछ कुछ सामग्री थे वो ले लिए, पर प्रभुपाद ने बोला कि मेरी किताबें, मेरा सूटकेस, मेरा टेप रिकॉर्डर सब वहीं छोड़ देना आप। और डेविड बताया जाता है उस समय भी जब काल गया उनके पास, तब भी वो उसको पागलपना का दौरा चढ़ा हुआ था, तो उसको बोलते हैं नर्वस ब्रेकडाउन मतलब ड्रग इंड्यूस नर्वस ब्रेकडाउन, मतलब जब कोई ज्यादा चरस गांजा ले लेता है तो उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, पागल जैसा हो जाता है। उसको टेक्निकली डॉक्टर लोग के टर्म्स में बोलते हैं नार्को साइकोसिस। तो वो हो गया था उसको। तो डेविड को बुरा लग रहा था कि मैंने स्वामी जी के साथ गलत बर्ताव किया, लेकिन अभी जो काल थे और काल के साथ उनके एक और मित्र थे बिल, वो भी चले गए थे। तो उन दोनों ने स्पष्ट बोल दिया कि भले ही आपको बुरा लगा है, पर प्रभुपाद भी आपके साथ नहीं रहेंगे क्योंकि आप चरस गांजा में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा, अभी काल की जो बीवी थी तो ईव, तो उसको ईवा, उसको इतना पसंद नहीं था स्वामी जी आके रहे। अभी मतलब हम लोग भी सोच सकते हैं, अगर समझ लीजिए हमारे घर में कोई सन्यासी आके रहे, तो हम लोग सब भक्त हैं, सन्यासी को हम सम्मान देंगे, उनको दो चार दिन ठहराएंगे, अच्छा से भोजन वोजन कराएंगे, लेकिन अगर ज्यादा लंबे समय तक रहते रहें तो थोड़ा हम सबको थोड़ी दुविधा होगी या थोड़ा ये होगा। तो ये लोग तो विदेशी थे, लेकिन फिर भी वहां पे उन्होंने प्रबंध किया। प्रभुपाद के जो तीन हफ्ते में तीन प्रवचन होते थे, तो वो वहां पे होने लगे, कीर्तन होने लगा और कई लोग आने लगे।
उस प्रोग्राम में, वहां पे एक बार डेविड भी आया, डेविड एलन, जिसने प्रभुपाद पे चिल्लाया था और वैसे सब। तो एक डॉन करके लड़का आता था, वो बताता है कि प्रभुपाद 6 बजे जो है लोगों को बुलाते थे सुबह सुबह, और कई जो ये लोग थे चरस गांजा पीने वाले, वो लोग रात भर जागते रहते थे और सुबह बिना सोए 6 बजे प्रभुपाद के कार्यक्रम में आ जाते थे और प्रभुपाद कीर्तन करते थे उनके साथ। तो 9-10 लोग पहुंच जाते थे सुबह 6 बजे प्रोग्राम के लिए, और ये लोग जो है उनको इतना अच्छा अनुभव लगता था कि उनको लगता था अरे हम कीर्तन में भाग लिए, ये तो बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। तो देखिये ऐसा जो है अभी पूरी तरह से बदलाव होने वाला है, इस्कॉन की पूरी स्थापना होगी पूरे विश्व भर में, उसका पूरा वर्णन आएगा। और उससे पहले हम भागवतम आज चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब हम भागवतम का आश्रय लेते हैं तो हमें हमारे परम गुरु सनातन गोस्वामी का आश्रय लेना चाहिए। क्यों सनातन गोस्वामी के? क्योंकि वो हमारे संबंध आचार्य हैं। जो मदन मोहन मंदिर है, वो मदन मोहन मंदिर जो है हमारे संबंध का प्रतिनिधि है। तो संबंध होता है, फिर अभिधेय होता है, फिर प्रयोजन होता है। संबंध मतलब एक बार हम जाने भगवान के साथ कि हमारा उनका संबंध क्या है। हमारा ये संबंध है कि हम उनके अंश हैं, हम उनके दास हैं, और जब हम उनकी सेवा करेंगे तभी हम संतुष्ट रह सकते हैं। ये संबंध है। अभिधेय मतलब जब हमें मालूम चल जाए कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के दास हैं, तो जब हम सेवा करते हैं तो उसे अभिधेय बोलते हैं। और जब सेवा पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, पूरी तरह से हम शुद्ध हो जाते हैं, तो हम प्रयोजन के स्तर पे जाते हैं जो शुद्ध कृष्ण प्रेम है। तो पहला होता है राधा मदन मोहन विग्रह, फिर दूसरा आता है राधा गोविंद, और तीसरा आता है राधा गोपीनाथ। तो राधा गोविंद जो है अभिधेय के व्यक्तिगत रूप है, भगवान का उनका स्वरूप है। और जो अंतिम वाले हैं गोपीनाथ, तो वो हमारे प्रयोजन के स्वरूप है। तो सनातन गोस्वामी लिखते हैं, मत एक बंधु मत संगी ना, मत गुरु मन महाधना, मन निस्तार का मत भाग्य मत आनंद नमोस्तुते। अब ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि कौन ये श्रीमद भागवतम क्या है, श्रीमद भागवतम कौन है। हम लोग को लगता है कि हाँ हम प्रवचन कर रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, क्योंकि शायद लॉकडाउन था या इसके कारण। पर ध्यान रखिए, जब हम भागवतम के संपर्क में आ रहे हैं, ये कौन है, ये भागवतम क्या है। ये भागवतम बताया जाता है मद एक बंधु, ये हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं। प्रभुपाद हर लेटर में लिखते थे योर एवर वेल विशर। एवर वेल विशर मतलब प्रभुपाद हमारे हमेश के लिए मित्र हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, और वो हमारा हमेशा कल्याण चाहते हैं। तो वैसे ही कृष्ण भगवान भी हमारे सबसे प्रिय बंधु हैं, मित्र हैं, सखा है। गीता में भी बताते हैं कि मैं जो है सबसे प्रिय सबका मित्र हूँ, सखा हूँ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, देखिए हम लोग अपने परिवार वालों से आसक्त रहते हैं, निश्चित रूप से हमारे सबकी आसक्ति अपने माता पिता के साथ है, पर समय एक ऐसा आएगा जब हमारे माता पिता चले जाएंगे, क्योंकि भौतिक जगत का नियम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो चाहे कोई कितना ही धनी व्यक्ति हो, शक्तिशाली व्यक्ति हो, इस भौतिक जगत में इन चारों चीजों से परे नहीं है। तो हमारे माता पिता को हम जितना प्रेम करते हैं, एक समय आएगा जब हमारे जीवन से वो चले जाएंगे, तो फिर हमारा ध्यान रखने वाला कौन है? कृष्ण। जब हम कृष्ण का आश्रय लेंगे तो भले ही हमारे जीवन में कितने ही उतराव चढ़ाव आए, लेकिन कृष्ण भगवान हमें नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए अगर हम कृष्ण से संबंध बना देते हैं, तो देखिए जब भी हम भागवतम पढ़ने जा रहे हैं, भागवतम सुनने जा रहे हैं, तो भागवतम विशेष रूप से हमें समझना चाहिए ये कृष्ण ही है। हमने पहले सुना है भगवान जो है 5 रूप में आते हैं, नाम के रूप में, भागवत के रूप में, भक्त के रूप में, अर्च विग्रह के रूप में, डीटी फॉर्म जिसे बोलते हैं, और धाम के रूप में। और हमारा अहो भाग्य है कि प्रभुपाद की कृपा से हम 5 चीजों के संपर्क में हैं। हम रोज सुबह उठ के नाम जप करते हैं, हम भागवत कथा सुन रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, भक्तों के संग में हैं, विग्रह की हम सेवा कर सकते हैं, और मानसिक रूप से, अगर शारीरिक रूप से नहीं हुआ तो मानसिक रूप से हम धाम में जा सकते हैं। शारीरिक रूप से हुआ तो हम शारीरिक रूप में भी जा सकते हैं, साल में एक बार दो बार, नहीं तो अधिकांश समय हम मन ही मन में मनन करते हुए
प्रार्थनाशील होते हुए भी हम धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो उसमें से एक मुख्य चीज है श्रीमद् भागवतम, जो भगवान का ही रूप, तो वो एक बंधु है, हमारे मित्र हैं। तो अगर आप उनके साथ संबंध बना देंगे, फिर भौतिक जगत में किसी के साथ संबंध बने ना बने तो उससे ज्यादा विचलित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके सबसे अच्छा संबंध किसके साथ है? कृष्ण के साथ। रूप गोस्वामी जो है वो बतलाते हैं, प्रभुपाद गीता में बताते हैं, जैसे एक, एक, एक लड़का और एक लड़की जो है, दोनों जो है एकांत के स्थान पर बैठना चाहते हैं और एकांत में जो है वो एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते हैं, स्पेशली एक जवान लड़का जवान लड़की। तो बोलते हैं उसी प्रकार से आज भी आप जाएंगे बैंड स्टैंड पे, या अगर आप मरीन ड्राइव पे जाएंगे, आप देखेंगे बहुत सारे कपल्स बैठे रहते हैं, या पार्क में जाएंगे या नेशनल पार्क में जाएंगे, जाइएगा मत, नहीं तो बोलेंगे हाँ हरिबोलान प्रभु जी ने बोला था यहाँ सब जाने के लिए। मैं बता रहा हूँ कि ये सब जगह है जहाँ पे आपको कपल सबसे ज्यादा दिखते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो रूप गोस्वामी बता रहे हैं और उनके द्वारा प्रभुपाद बता रहे हैं, जैसे एक जवान लड़का और जवान लड़की को आपस में समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, वैसे एक भक्त को कृष्ण के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही जब हमें भागवतम मिलता है, जब हम भागवतम का पाठ करना चाहते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमें कृष्ण के साथ समय बिताने को मिल रहा है। तो वो भावना से हमें भागवत पढ़ना चाहिए, वो भावना से हमें भागवत सुनना चाहिए। तो बोलते हैं मद एक बंधु, मेरे सबसे बड़े मित्र हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया हमारे जीवन में हमारे कोई भी, हमारे परिवार वालों का भी गारंटी नहीं है। हम देखते हैं कितने ही परिवार वाले हैं जिनकी शादी होती है, फिर दुर्घटनावश या तो पति चले जाते हैं या पत्नी चले जाते हैं। तो इस भौतिक जगत में किसी का गारंटी नहीं है, लेकिन कृष्णा का पूरा 100% गारंटी है। इस जीवन में भी, इस जीवन के बाद भगवत धाम ले जाते हुए भी उनकी गारंटी 100% चलती है। और पहले स्कंद भागवतम में हमने सुना है, एक श्लोक है जहां वो बताते हैं कि मैं पूरी गारंटी देता हूं कि मैं अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करता हूं। तो यहां पे वर्णन आ रहा है एक बंधु सबसे बड़े मित्र हैं आपके, तो आप इनसे जुड़ जाएंगे, जीवन भर आपको जो है दोस्त की आवश्यकता नहीं रहेगी। भक्तों से दोस्ती बनाए रखना चाहिए, पर भक्तों के साथ साथ आपको जानना है कि भगवान का संबंध बनाना बहुत जरूरी है। मत संगीनाम, मत संगीन, मत संगीन मतलब ये जो है मेरे संगी हैं, मेरे कंपेनियन हैं। तो बोलते हैं कि ये मेरे गुरु हैं, मेरा सबसे बड़ा महाधन है। अब मैं सब पे विस्तार नहीं करूंगा, पर समझना चाहिए कि जब वो संगी बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, महाधन बोल रहे हैं, तो ये वास्तविक रूप में भागवतम हमारे गुरु बन सकते हैं, हमें हमेशा मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये एक ऐसा धन है जो कोई चुरा नहीं पाएगा, और ये एक ऐसा धन है जब आप जितना बांटोगे उतना आपका ये धन बढ़ता जाएगा। ये आपको तारने वाले हैं, आपको भगवत धाम ले जा सकते हैं, आपका भाग्य बनाएगा, ये आपको आनंद देगा। आपके माता हैं, आपके पिता हैं, आपके प्रेमी हैं, सब कुछ इस भागवत में है। इसलिए बोलते हैं नमस्तुते, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। तो जब हम भागवतम सुन रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है धर्मोपयुजितो कैतवो। तो धर्मोपयुजितो कैतवो जब दूसरे श्लोक में आया है वर्णन, तो उसमें आचार्यगण बताते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज को भागवतम बाहर करता है। बोलता है अगर आपको इंद्र भोग चाहिए, अगर आपको अपना भौतिक रूप से अपनी परिस्थिति सुधारनी है, अगर आपको जो है धर्म का सिर्फ बिना भगवान के से धार्मिक कार्य करने में थोड़ा रुचि है, या मोक्ष का आपकी इच्छा है, तो आप भागवतम मत जुड़िए, क्योंकि भागवतम शुद्ध भक्ति के बारे में चर्चा कर रहा है, जहां धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो मैं ये आप लोगों को श्लोक इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम भागवतम पढ़ रहे हैं, तो भागवतम पढ़ते समय हो सकता है कि हमारे मन में कुछ भौतिक इच्छा हो, उस इच्छा की पूर्ति के लिए हम लोग भागवत पढ़ रहे हो, वो एक तरीका ठीक है, लेकिन सबसे उत्तम तरीका नहीं है। सबसे उत्तम तरीका होता है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए हम पढ़ें, हम भगवान को जानने के लिए पढ़ें। तो विशेष रूप से जब हम पढ़ रहे हैं अपने आप को स्कॉलर बनाने के लिए, अपने आप को पंडित बनाने के लिए, या प्रचार करने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हम भागवतम नहीं पढ़ते। हम भागवतम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि भागवतम मतलब पढ़ना मतलब हमें भगवान का संग मिलता है, उससे हमारा शुद्धिकरण होगा, और हम जितना भगवान के संग में रहेंगे तो उतना हम
जो है भौतिक चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे और चर्चा करेंगे। देखिए भागवतम इतना विस्तार पूर्वक है, अगर मैं एक एक श्लोक के साथ में एक एक शब्द का अनुवाद डिटेल नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इतना डिटेल में मैं अगर जाऊंगा तो जो है शायद आप लोगों को इतना रोमांचकारी नहीं लगेगा। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि आप धीरे धीरे भी पढ़ सकते हैं भागवतम। हाँ कुछ भाग समझ में नहीं आए, शांति सबूरी बनाए रखना है, फिर भी धीरे धीरे पढ़ते जाना पड़ता है। मुझे मालूम है मेरे एक दोस्त थे कॉलेज में, हेमंत तोतला, उसके बड़े भाई इंजीनियरिंग कर रहे थे और वो मुझे बोल रहे थे कि मैं, ये आज से 25 साल पहले की बात है 94-95 की, तो वो मुझे बता रहे थे कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और मुझे इंजीनियरिंग का जो है मैथ्स समझ में नहीं आता था और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता था, मैं रात को रोने लगता था अपने हॉस्टल में बैठ के और रोते रोते थक जाता था, फिर आंख पहुंच के जो है मुंह धो के मैं फिर पढ़ाई करने बैठता था। तो ऐसी परिस्थिति में जहां मुझे कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, मैंने रात रात भर जाग के रो रो के फ्रस्ट्रेट होके फिर पढ़ाई करके मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। तो देखिए मुझे स्पष्ट चीज याद है, तो लोग भौतिक चीजों के लिए इतना मेहनत कर सकते हैं, रो सकते हैं, आंसू बहा सकते हैं, तो हम लोगों को गीता और भागवत पढ़ने में क्या मुश्किल है? थोड़ा हो सकता है कुछ बात समझ नहीं आए, कुछ आनंद नहीं हो, पर ध्यान रखिए प्रभुपाद ने बताया है यही मार्ग है हमारा मन शांत रखने का। देखिए आपका मन आप ही को संभालना है, मेरा मन मुझे संभालना है, कोई और नहीं आएगा मेरा मन संभालने के लिए। और मन में जितना हम बाहर की दुनिया की चीजें देख रहे हैं, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, फलाना ढिकाना, जो भी चल रहा है पूरी दुनिया में, वो सब हमारे मन में जो है परछाई करते जा रहा है और जब हम विचलित होते हैं इन सब चीजों के कारण ज्यादा। लेकिन वही चीज अगर हम भागवत से बदल दें, भगवान के नाम से बदल दें, भक्तों से बदल दें, तो हमारा मन शांत हो जाएगा। और प्रभुपाद ने स्पष्ट बताया चैतन्य चरितामृत का श्लोक, जिसमें बोलते हैं कि हम माया से प्रभावित हैं, इसलिए भगवान कृपा करके हमें भागवतम दिए हैं जिसमें हम अपना मन लगा सकें, ध्यान लगा सकें, जिससे हम इन सब चीजों से आकर्षित ना हो। मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूँ, मैं YouTube पे समझ लीजिए कोई गाना देखता हूँ, तो गाना देख के उस गाने में देखता हूँ कि अरे इस हीरो ने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, या वो ऐसे हिल स्टेशन पे गया है, उसके पास इतनी अच्छी गाड़ी है, तो मैं मन में क्या सोचता हूँ, अरे मेरे पास भी गाड़ी हो, अरे मेरे पास, मुझे भी ऐसा हिल स्टेशन पर जाना चाहिए, अरे मेरे को भी ऐसे कपड़े चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये सब चाहिए। तो देखिए जो चीज आप जो है YouTube, Facebook, WhatsApp या जो भी सब चीजें हैं, उससे आप जो भी देख रहे हैं, आपके मन में आपको इच्छा बना रहे हो। तो प्रभुपाद बताते हैं ये सब इच्छा चलो चल रही है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कृष्णा के साथ संबंध जोड़िए, कृष्णा का जो है भागवत उठाइए, पढ़िए। तो बताया जाता है, प्रभुपाद बोलते हैं यू शुड नॉट रीड माई बुक्स, यू शुड स्टडी माई बुक्स। तो रीड और स्टडी करने में दोनों में अंतर क्या है? एक चीज है आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, दूसरा चीज है आप बहुत ध्यान पूर्वक समझ रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं एक होता है श्रवण और एक होता है श्रवण। देखिए ये लोकल भाषा में बताया गया है, आश्रम में हम लोग को बोलते थे श्रवण मतलब सुनना और चरवन मतलब चबाना। कभी आपने देखा होगा गैया भैंसा जो होते हैं वो खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद एक जगह बैठे रहते हैं, चरवन करते रहते हैं, मतलब मुंह चबाते रहते हैं। तो बोलते हैं जो हमने श्रवण किया है, जो हमने सुना है, वो हमें कहीं पे लिख लेना चाहिए। भले ही आप भागवत पढ़ रहे हैं या भले ही आप भागवत सुन रहे हैं, उसको एक कहीं तो अच्छे से नोटबुक में लिख लें, और वो जो है आपका मेन नोटबुक होना चाहिए जहाँ पे आप मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं। क्योंकि जब आपका मन विचलित होगा या दूसरे समय भी जब आप खाली समय हैं, आप उस भागवतम के नोट्स को पढ़ सकते हैं और इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उत्साह ले सकते हैं। तो जो जो आपको अच्छा लगता है वो आपको लिख लेना चाहिए पेन पेपर पे। तो अभी जो भागवतम पढ़ते हैं तो वो भी नोट्स निकाल सकते हैं, जो भागवतम सुन रहे हैं वो भी नोट्स निकाल सकते हैं। और ये नोट्स निकालेंगे, आज भी आप देखेंगे गौरमपुर 93 में ज्वाइन हुए थे, आज जो है उनको 2020 हो गए, 27 साल हो गए। राधानाथ महाराज 1970 में वृंदावन आए थे और उसके बाद इस्कॉन ज्वाइंट होके जो है सन्यासी बन के आज भी 2020 में 50 साल से सन्यासी हैं, सेवा कर रहे हैं। मैं महाराज के साथ था जीवी में और महाराज मेरे को इशारा करके बुलाए, बोले एक नोटबुक पेन लाओ, इतना अच्छा प्रवचन चल रहा है, मुझे नोट्स निकालना है करके।
तो मैंने वहीं पे जो जीवी का पैड था वो और पेन दिया, और महाराज खुद नोट्स निकाल रहे थे। तो देखिए, 50 साल भक्ति करने के बाद भी एक सन्यासी इतने बड़े गुरु को लगता है नहीं नोट्स निकालना चाहिए, क्यों? उनको लग रहा है ये बहुत जरूरी है। ये मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रचार के लिए आपको लग रहा हो जरूरी, नहीं, हमारे खुद का अंतकरण करने के लिए, जिसमें श्रवणम बोल रहा हूँ। तो ये आश्रम में हमें सिखाते थे कि जो आप सुन रहे हैं उस पर आपको मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तो आप जो है इसको अपने जीवन में उतार पाएंगे। जैसे मैं अधिकांश बार मैंने सुना है प्रवचन में, मैं बोलता हूँ, अगर आपने 100 नाम अपराध किए तो आपका मन विचलित होगा, जपा में आपका ध्यान नहीं रहेगा, ये जीव गोस्वामी बताते हैं। अगर आपने 1,000 नाम अपराध किए तो आप 4 नियम जो हमारे होते हैं, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, वो पालन करने में मुश्किल होगा। और अगर आपने 10,000 नाम अपराध किए हैं तो आप माला ही नहीं उठा पाओगे। तो देखिए ये कितना महत्वपूर्ण जो है चीज है जो हमें समझना है। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम के रेगुलर चर्चा पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने 18वें श्लोक तक कल चर्चा किया था। सुनीता अंगस्य वा पत्नी, हम लोग 12वां अध्याय 18वां श्लोक चर्चा कर रहे हैं। सुस्वे वेना उल्बनम यद दोसल्यक स राजर्षे तिर्वनो निर्गता पुरा। तो इस श्लोक में बताया गया है, अभी तक हमने सुना कि कैसे वंशावली ध्रुव महाराज का वर्णन किया गया है, और यहाँ पे भी अंग और वेन के बारे में बता रहे हैं। तो अंग की भार्या थी सुनीता, और उन्होंने पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम था वेना, जो बहुत कपटी थे, बहुत कुटिल थे, अंग्रेजी में क्रूकेट बोलते हैं उसको। तो अंग जो है वो बहुत ही निराश हो गए उनके बुरे चरित्र से, और इसलिए वो जो है अपना राजपाट छोड़ के जंगल में चले गए। हाँ, तो यहाँ पे बताया गया है संस्कृत में, सुनीता अंगस्य ये पत्नी, तो ये उनकी पत्नी थी। देखिए, हम संस्कृत में भी अगर पढ़ेंगे तो एक एक शब्द का मतलब हम समझ सकते हैं। हाँ, सुसुसे ये न उल्बलम, उल्बलम मतलब क्रुकेड, जो कुटिल थे, कपटी थे, तो वो इतने ये थे। अब देखिए जगत का नियम कैसा है, वेना अगर हिरण्यकशिपु का बेटा होता तो हिरण्यकशिपु कितना आनंदित हो जाता कि भाई ऐसा कपटी जो है कुटिल मेरे को बेटा मिला। तो लेकिन उसका बेटा नहीं हुए हिरण्यकशिपु का, बट महाराज अंग के बेटे हुए, और महाराज अंग को चाहिए था बिल्कुल धार्मिक बेटा। तो जिसको धार्मिक बेटा चाहिए उसको कपटी बेटा मिल गया, जिसको कपटी बेटा मिल चाहिए उसको प्रहलाद महाराज जैसे महाभागवत मिल गए। तो मतलब हर जगह फ्रस्ट्रेशन। तो ये प्रकृति का नियम है, हमको इस नियम को लेके चलना है कि प्रकृति बना ही है आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए। हमारी जो है कौशलता या हमारा एक्सपर्टीज कैसे मालूम चलेगा कि हम ऐसे जगत में रह रहे हैं जहाँ पे हर जगह उल्टा पुल्टा ही होने वाला है हमारे सब प्लान्स का, लेकिन उसके साथ भी हम भक्ति करते रहे, अपना मन कृष्ण में केंद्रित बनाए रखें। तो यहाँ पे जो है आगे बताया गया है, विदुर को मैत्रेय ऋषि अंग बोल रहे हैं। अंग अंग मतलब कैसे, हमारे शरीर का अंग होता है तो हम उसको अंग बोलते हैं। तो यहाँ पे संस्कृत शब्द आया है 19वें श्लोक में अंग। तो एक भक्त दूसरे भक्त को अंग करके संबोधित करता है, मतलब मेरे शरीर के आप एक भाग हो, इसलिए मैं आपको अंग करके बुला रहा हूँ। तो ये एक तरीका है वैष्णव के बीच में व्यवहार करने का, या वैष्णव एक दूसरे को एक अपने शरीर के एक भाग के समान प्रेम करते हैं। और यहाँ पे जो है 19वें श्लोक में आ रहा है, वाक वज्राह, वाक वज्र, जो आपके शब्द हैं वो वज्र के समान हो सकते हैं। 19वां श्लोक आप मार्क कर सकते हैं। तो बोलते हैं यहाँ के जो ब्राह्मण थे उन्होंने श्राप किया, और श्राप देके जो है इनको मार दिया अंग को, और उनके जो शब्द थे, तो यहाँ पे वर्णन आया वाक वज्र, उनके शब्द वज्र के समान थे, जैसे वज्र पहाड़ पे पड़ता है तो पहाड़ नष्ट हो जाता है। तो ये अंग के क्या, वेनक के क्या कहने हैं, अंग को नहीं, क्षमा करें, वेनक को श्राप दिया और उनका अंत कर दिया। और उनके शब्द, ब्राह्मणों के शब्द यहाँ पे बताया गया है वज्र के समान थे। और फिर बोलते हैं जब वेना का अंत हो गया, जब वो मर गए, तो
तो उनके मृत्यु के पश्चात जो है बहुत चोर डाकू लुटेरे पूरे विश्व में फैल गए। तब ब्राह्मणों को लगा, अरे हमें दूसरा राजा तैयार करना चाहिए। तो वेना के दाहिने भाग को मंथन किया और उसमें से विष्णु के अवतार पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ। तो अभी आने वाले जो है अभी हम जो है आने वाले अध्याय में कम से कम 5-6 अध्याय हैं जहाँ पे महाराज पृथु का चर्चा हुआ है। तो यहाँ पे पृथु महाराज का जन्म का वर्णन किया है। नारायण अंशे न पृथु, तो नारायण भगवान के अंश थे पृथु महाराज। तो क्योंकि वो ब्राह्मण जो है क्रोधित हो गए थे, तो क्रोध आवेश में आके उन्होंने श्राप दिया। और वो क्रोध में इसलिए आए क्योंकि जो वेन है वो गलत कार्य कर रहे थे। तो प्रभुपाद जो है अभी ये 20वें श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि मोनार्ची इज बेटर देन डेमोक्रेसी। मोनार्ची मतलब कोई सम्राट होते हैं, कोई राजा होते हैं, जैसे साम्राज्य बोलते हैं, तो वो उस तरह का राज्य जो है जनतंत्र डेमोक्रेसी से बेटर है। क्यों? क्योंकि उसमें एक राजा रहते हैं और एक राजा जो है पूरे की पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं पूरे देश को, विश्व को, या जितने भी नागरिक हैं। और प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, तो हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए अरे प्रभुपाद ने ऐसी भागवतम में लिखा है वगैरह वगैरह। नहीं, प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि 100 साल पहले कश्मीर में जो अपने भारत का जो अभी भी भाग है, वहां पे ऐसा नियम था कि कोई भी चोर अगर पकड़ा जाएगा तो राजा उसका हाथ काट देगा। ये आज भी शायद मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कहीं कहीं ये नियम लागू है कि अगर कोई चोर पकड़ा गया तो उसके पूरे हाथ काट देते थे। तो बोलते इस डर से बताया जाता है पूरे राज्य में एक भी चोर नहीं था। यहाँ तक कि किसी का सामान नीचे गिर जाता था तो कोई दूसरा व्यक्ति उठाता भी नहीं था, क्योंकि नियम ऐसा था कि जो जिसका है सामान वही उठाएगा और कोई नहीं उठाएगा। लेकिन बोलते हैं अभी जो है डेमोक्रेसी जो अभी चल रहा है तो उसमें सरकार इतनी मजबूत है ही नहीं जिसमें वो चोर को पकड़ सके, और कितनी बार चोर चोरी करके चले जाते हैं उनको सजा भी नहीं मिलती। तो ये हमारा जो सरकार है उसमें क्षमता नहीं होने के कारण ऐसे सब गलत कार्य पूरे विश्व भर में हो रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि विश्व भर में जितने भी ये सब चोरी डकैती होने के कारण क्या है, सरकार ढीला है हमारा। अगर हमारा गवर्नमेंट, हमारा सरकार अगर मजबूत हो तो ये सब नियमित रूप से बंद हो सकते हैं। तो हम ब्रह्म संहिता के जो है कई श्लोक चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी पूरे सृष्टि का जो है वर्णन करते हुए बोल रहे हैं। तो आज हम 19वें श्लोक पर चर्चा करते हैं। दीपार्चदेव दशांतम उपेत्य दीपायस्त विवृत हेतु समान धर्म यस्ताग एव विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये देखिए ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं कि देखिए दीपार्चिर मतलब एक दीप कैसे होता है, या कैंडल जैसे प्रभुपाद बताते हैं, एक कैंडल से दूसरा कैंडल जलाओ या एक दीप से दूसरा दीप जलाइए आप, तो उसका जो रोशनी है वो एक समान ही रहता है, या कैंडल के लिए हम लोग बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार से जब भगवान विष्णु अलग अलग विष्णु के रूप में अवतारित होते हैं, प्रकट होते हैं, तो हर विष्णु में उतनी शक्ति होती है जैसे पहले मोमबत्ती और दूसरे तीसरे या जितने भी मोमबत्ती में रोशनी आती है वैसा। तो समान धर्म, तो सब में समान शक्ति आती है, यह वर्णन किया गया। फिर 20वें श्लोक में बोलते हैं ब्रह्मा जी, यह कार्णवा जले भस्मित्म स्मयोगा निद्रम अनंत जगदंड सरोम कूपा आधार शक्ति अवलंब्य परम स्वमूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो बोलते हैं कि आप तो निद्रा अवस्था में सोए हुए हो, कहाँ पे जो है शिरोदक्षाही सागर में, और वहां पे अनंत जगदंड कोटि की अनंत जगत जगत जो है कहाँ से आ रहे हैं, सो रोम कूप, जैसे हम बोलते हैं ना रोमांचक कंपाशु तरंग भाजो। रोम मतलब हमारे रोंगटे, रोंगटे मतलब जहां से बाल निकलते हैं हमारे शरीर में, हाथ में, पैर में। तो बोलते हैं वैसे भगवान महाविष्णु जहाँ क्षीर सागर में सोए हुए हैं और वहां से जब वो श्वास छोड़ते हैं तो अनंत कोटि जो है जगत, अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके शरीर से निकलते हैं। ये है शक्ति जो भगवान विष्णु का।
तो अभी हम यहाँ पे आगे वापस चर्चा करते हुए देख रहे हैं, विदुर जी जो है ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, तो मैत्रेय को बोलते हैं मैत्रेय ऋषि को कि अरे आपने अंग के बारे में बताया कि वो इतने महान थे और उनका इतना अच्छा चरित्र था और वो ब्राह्मणों को इतना प्रेम करते थे, तो उनको इतना बुरा पुत्र वेन कैसे आया जो इतना कुटिल था, तो आप मुझे इसके बारे में बताइए, और फिर उन्होंने अपना राज्य क्यों छोड़ दिया। अब देखिए, मैं खुद पर जब पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था ध्रुव महाराज के पिता उत्तानापाद, उन्होंने देखा उनके बेटे इतने योग्य हैं, इतने अच्छे भक्त हैं, उन्होंने 5 साल की उम्र में ही सार्थकता प्राप्त कर ली अपनी तपस्या से, अपनी भक्ति से। तो राधानाथ महाराज बता रहे थे कि हमें इसे सीख लेना चाहिए कि ध्रुव महाराज के स्तर पे तो हम हैं नहीं, पर हम अपने जीवन में जितनी तीव्रता से भक्ति करें, जितने ध्यान पूर्वक से प्रार्थना करेंगे, जप करेंगे, तो उससे भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। तो उत्तानापाद ने देखा कि मेरा बेटा अभी योग्य है राजपाट संभालने के लिए, तो पूरा राजपाट उसको दे दिया, जंगल में निकल गए भक्ति करने के लिए, जीवन सार्थक करने के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं महाराज अंग, देख रहे हैं मेरा बेटा नालायक है, वेन, कोई फायदा नहीं इसका, तो वो छोड़ देते हैं, वो भी जंगल में निकल जाते हैं भक्ति करने के लिए। तो आप दोनों अगर चीजों को सामने रखेंगे तो देखेंगे, अगर आपके जीवन में इतना अच्छा पुत्र आए ध्रुव महाराज के जैसा, तब भी आपको अच्छे से भक्ति करनी है। अगर आपके जीवन में नालायक से नालायक बेटा आए वेन के जैसा, तब भी आपको भक्ति करनी है। तो जो भागवत विधि में हमें बताया गया है कि हर परिस्थिति में भक्ति करनी है, वो यहाँ के जो राजा हैं, जो भागवत में जिनका सब उल्लेख आया है, वो स्पष्ट बता रहे हैं कि हर परिस्थिति में हमें भक्ति करते रहना। अभी ये तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग सब जरा ध्यान दीजिए। बोलते हैं परिवार में हर व्यक्ति को जो है आनंद के साथ रहना चाहिए, अपने अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ। लेकिन कभी कभी कई परिस्थिति में माता पिता बीवी बच्चे दुश्मन बन सकते हैं। ध्यान दे रहे ना सब लोग, माता पिता बीवी बच्चे दुश्मन बन सकते हैं। और प्रभुपाद सीधा चाणक्य पंडित को बीच में लेकर आते हैं और बोलते हैं चाणक्य पंडित ने बताया है कब हमारे माता पिता बीवी बच्चे दुश्मन बन सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम कभी, क्योंकि हम भी हो सकता है माता पिता के स्तर पे हो, या कोई बीवी होगा, कोई बच्चे होंगे, तो हमें अपने घर का दुश्मन नहीं बनना है, ठीक है ना। पहला, अगर पिता ने कर्ज लिया है, वो भी बोलते हैं बहुत ज्यादा कर्ज लिया है, तो वो दुश्मन है। पहला ध्यान रखिए, अगर पिता कर्जदार है तो दुश्मन है, अगर माता दूसरा विवाह करेगी तो वो दुश्मन है, माता को दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए, ये वर्णन कर रहे हैं। बीवी अगर बहुत खूबसूरत है तो आपकी दुश्मन है, चाणक्य पंडित बोल रहे हैं, प्रभुपाद ने दिया है, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं। बीवी बहुत खूबसूरत है तो आपकी दुश्मन है। तो आईवीएस के लड़के जो सुन रहे हैं, तो आपके किसके मन में जो है बहुत खूबसूरत बीवी प्राप्त करने की इच्छा हो, तो यहाँ पे चाणक्य पंडित ने बताया है वो दुश्मन है। राधानाथ महाराज एक बार बोले कि अगर मिस बम्बई से आपकी शादी हो जाए, आईवीएस में प्रेरणा के क्लास में बोल रहे थे कि, तो अगर मिस बम्बई जो है, मिस मुंबई या मिस इंडिया जो है, जो सबसे खूबसूरत लड़की है, उससे आपकी शादी हो जाए तो कैसा रहेगा, तो सब लोग मुस्कुराने लगे। तो महाराज बोले बेवकूफों, आप मुस्कुरा रहे हो पर आपको ये नहीं मालूम चल रहा है कि अगर मिस इंडिया या मिस बॉम्बे आपकी बीवी बन जाएगी तो पूरे मुंबई वाले लोग उसी को लाइन मारते रहेंगे और आप सबसे ज्यादा दुखी हो जाओगे, मतलब सबके सब आपकी बीवी से आकर्षित हो जाएंगे। तो बहुत सुंदर बीवी चाणक्य पंडित बोल रहे हैं दुश्मन है। चौथा, पुत्र अगर मूर्ख हो तो वो दुश्मन है, पिता कर्जदार, माता अगर दूसरा विवाह करे, बीवी जो बहुत खूबसूरत हो, और बेटा जो मूर्ख हो। अभी किसी के मन में प्रश्न आएगा, अगर भगवान ने मुझे खूबसूरती दी है, कोई स्त्री सुन रही होगी और बोलेगी तो मैं क्या करूं, तो नम्र रहिए, कृष्ण की भक्ति करिए, सबका समाधान है।
कोई अपना सौंदर्य का ज्यादा आकर्षण करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे सर्व आकर्षित कृष्ण भगवान ही है, 5,000 साल से पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित करते आ रहे हैं, और वो भी जो है एक ही जगह पर खड़े हैं मंदिरों में, और उनकी भक्ति की शक्ति ऐसी है पूरे विश्व में जो है प्रचार चल रहा है। विश्व में लोग लॉकडाउन में भी उनकी कथा सुन सुन के आकर्षित हो रहे हैं, और अपने कमरे में बैठ के भी जो है भक्ति कर रहे हैं। ये है कृष्ण भगवान का आकर्षण, ये है कृष्ण का सौंदर्य जो हमें खींचता रहता है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं जैसे कोई लोहा अपने आप चुंबक की तरफ खींचा जाता है, वैसे मैं आपकी तरफ खींचता खींचा जा रहा हूँ। ये आपका सौंदर्य है, ये आपका आकर्षण। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, अंतिम कर रहे हैं ये 21वां श्लोक तात्पर्य का। तो ये जो उनको भी जानना है चार दुश्मनों के बारे में, चाणक्य पंडित जो बताते हैं वो 21वें श्लोक में। तो यहाँ पे अंतिम में बता रहे हैं प्रभुपाद कि इसलिए वैदिक शास्त्रों में दिया गया है कि 50 साल की उम्र में ही परिवार को छोड़ दें और पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लग जाएं। और इसका मतलब ये है कि आप जो है जब भी इसको महत्वपूर्णता समझें तो आप कृष्ण भक्ति पूरी तरह से अपने जीवन में अपना लें। तो जरूरी नहीं है 50 साल में, कोई हो सकता है 40 साल में पूरी तरह से कृष्ण भक्ति अपना लेगा। तो जब भी आपको समझ में आए कि भाई कृष्ण भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, तो पूरी तरह से 100% कृष्ण भक्ति में प्रवेश कर लीजिए। और फिर ये मत सोचिए अरे मेरे को भोजन कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, भाई वो भगवान प्रबंध कर देंगे। चींटी को उसका कण भर देंगे, और हाथी जो 2 टन खाना खाता है उसको भी देंगे। तो हमारे जैसे भक्तों को जो उनका नाम जप कर रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं, उनको नहीं देंगे क्या? अवश्य दे देंगे। जब चींटी को भी दे रहे हैं, हाथी को भी दे रहे हैं, और बीच में जितने भी योनियां हैं जो थोड़ा ज्यादा कम खा रही है सबको तो दे रहे हैं, तो अपने भक्त को क्यों नहीं देंगे? अवश्य देंगे। तो भक्ति में जितना आप तीव्रता दिखाएंगे वो आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम है। तो विदुर जी पूछने लगे आगे मैत्रेय ऋषि को कि क्या कारण था, वेना को क्यों श्राप दिया, और ब्राह्मण जो हैं उनका तो कर्तव्य बनता है कि वो सबका कल्याण करें और वो क्रोधित ना हो, पर वो यहाँ क्रोधित हो रहे हैं, इसका क्या कारणवश है, आप मुझे विस्तार में बताइए। तो ऐसे करते हुए वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं, द किंग जो है राजा जो होता है वो बोल रहे हैं कि किंग मस्ट हैव डन समथिंग वेरी सीरियस अदरवाइज। हाँ, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि राजा ने ऐसा तो कुछ कार्य किया होगा जिसके कारण ब्राह्मणों ने उनको श्राप दे के उनका अंत कर दिया, वरना जो ब्राह्मण होते हैं वो हमेशा सहनशील रहते हैं, वो कभी ऐसे कार्य नहीं करते। और दूसरा पार्ट बता रहे हैं कि राजा स्वतंत्र नहीं थे, राजा के ऊपर ब्राह्मण रहते थे और ब्राह्मण राजा को भी अपने वश में रखते थे। तो जो ब्राह्मण थे जब उन्होंने देखा कि ये वेना गलत कार्य कर रहा है, तो उन्होंने उसको सीधा अपने श्राप से, ब्रह्म श्राप से, मंत्रों के बल पे उसको मार दिया। तो प्रभुपाद बताते हैं उस समय के ब्राह्मण इतने शक्तिशाली थे, सिर्फ मंत्रों की शक्ति से वो राजा को भी मार सकते थे। और हम ये देख रहे हैं कि राजा भी स्वतंत्र नहीं थे, वो ब्राह्मण के आशीर्वाद, ब्राह्मण के शिक्षण, ब्राह्मण के दिए हुए ज्ञान के हिसाब से राजपाट करते थे। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, अंतिम ऐसे राजा थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, और वो चाणक्य पंडित के अंडर में काम करते थे। वो राजा थे क्षत्रिय थे और ये ब्राह्मण थे चाणक्य पंडित। तो चाणक्य पंडित जैसा उनको सलाह देता था, चंद्रगुप्त मौर्य उसके हिसाब से पूरा राजपाट करते थे। तो ये उसका वर्णन किया गया है। तो अभी जो है अगले श्लोक में, 23वें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि किस हर एक जो प्रजा है उन सबको राजा को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि राजा जो है वास्तविक रूप में भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए उनको नर नारायण भी बताया जाता है, ऐसा नाम से संबोधित किया जाता है। नर नारायण मतलब जो नारायण भगवान है वो राजा के रूप में मानव समाज में प्रकट होते हैं। और इसलिए राजा अगर कोई गलती भी करता है तो वो गलती जो है उनमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ऐसे करके कथा और इसमें जाएगी विस्तार में। तो हम उससे पहले जो है जर्नी होम का थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 24वें श्लोक पे विराम दे रहे हैं, कल हम 24वें श्लोक से चर्चा करेंगे।
हमने देखा कि राधानाथ महाराज अपने मित्र से मिल न्यूयॉर्क के रहने वाले थे और जिनका नाम एलन था, और वो महाराज से मिलते हैं और उनको जो है मुकुंद हरि पंजाब में बोलते हैं। अगर आपको भगवान के बारे में जानना है तो वृंदावन जाइए, और वृंदावन में आपको कृष्ण भगवान का जो आपका खोज है वो आपका संतुष्ट हो जाएगा, आपको भगवान की प्राप्ति वहां पे हो। और बोलते हैं वो बात सच था, एलन बोल रहा है ये असीम कृष्णा कि मुझे वो यहाँ पे पूरी तरह से भगवान के संपर्क में हूँ मैं। फिर वो एक आखिरी स्टेटमेंट बोलते हैं जो महाराज को बहुत अच्छा लगता है, महाराज ने लिखा है किताब में, इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू टू सर्व यू दैट विल बी माई ग्रेटेस्ट जॉय। मतलब मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की चीज क्या है कि मैं किसी तरह से आपकी कोई भी सेवा कर सकूं। तो महाराज इन गिविंग वी रिसीव, अर्थात जब हम लोगों को देंगे तब हमें प्राप्त होगा। तो हम अपने जीवन में सिर्फ खुद जो है हमें ये मिले ये मिले ये मिले ये मिले हमें सोचना नहीं चाहिए, हमें देने के बारे में सोचना चाहिए, हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। जब हम दूसरों को देते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, तो ऐसे में हमें वास्तविक रूप में सब कुछ प्राप्त होगा। तो अभी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि महाराज सोच रहे थे रात्रि को कि अगले दिन सुबह को मुझे हरिद्वार के लिए जाना है और वहां गैरी से मिलना है, और वहां से वो अमरनाथ जाने का प्रोग्राम कर रहे थे। लेकिन महाराज बोल रहे थे कि मैं वृंदावन धाम को बोल रहा था, अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा मन में बड़ा संघर्ष हो रहा था। क्यों? क्योंकि वृंदावन ने जिस तरह से मेरा हृदय आकर्षित किया था और कोई जगह ने नहीं किया था। तो मैंने प्रार्थना किया वृंदावन धाम से, महाराज बोलते हैं कि आपकी क्या इच्छा है वो प्रकट करिए। तो अगले दिन सुबह को जो है मंदिरों की घंटी बजने लगी, और मुझे मालूम था कि मुझे हरिद्वार जाना है, और मैं जैसे ही होश में आया तो मुझे मालूम चला कि मेरा शरीर बिल्कुल एक मृत के समान है, मतलब मेरे शरीर में जान ही नहीं है। और मुझे मालूम चला कि मेरे को पूरी तरह से दर्द हो रहा है, मेरे पूरे शरीर में ताप आ गया था, बुखार आ गया था, और मुझे चक्कर आ रहे थे, और मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा था, और मानो ऐसा लग रहा था कि अगर मृत्यु आ जाए तो मैं बच जाऊं, छूट जाऊं, इतना मेरे को दर्द हो रहा था। घंटों में इसी परिस्थिति में था, और दोपहर आने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो बुखार है वो मुझे मार ही डालेगा। तो अभी देखिए कितनी बार महाराज के ऊपर हुआ है कि महाराज का जीवन इतनी नजदीक में जो है मृत्यु होते होते बच गए। भले ही वो काठमांडू में जंगली कुत्ते थे जो आक्रमण कर रहे थे, भले ही वो इस्तांबुल में जो आतंकवादी थे जिन्होंने आक्रमण किया, भले ही वो गंगा में महाराज जो है दलदल में फंस के मरने वाले थे, या फिर गंगा में तैरते तैरते डूबने वाले थे। तो कितनी बार हम देख रहे हैं महाराज का जीवन जो है, कितनी बार महाराज मरते मरते बच गए। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इतना उनको बुखार था, महाराज को लग रहा था कि मैं मर ही जाऊंगा इससे। फिर महाराज बोलते हैं ऐसी परिस्थिति में मैंने एक चीज देखा जिससे मेरे में और मेरे हृदय में कंपन हो गई, मैं डर गया। क्या देखा? मेरे ऊपर जो है आसमान में चील और गिद्दड़ जो है चक्कर लगा रहे हैं। चील और गिद्दड़ को ऐसा लग रहा था कि हमारा खाना बन रहा है और जैसे ही तैयार हो जाएगा तो हम लोग आके खा सकते हैं। और बोलते हैं एक तो चील नीचे तक आया और उसका जो है पूरा काला शरीर था, सफेद चोंच था, और वो आया और उसने मेरे छाती पे जो है जोर से चोंच मारा। तो जैसे ही चोंच मारा मेरे छाती पे, महाराज बोलते हैं मेरे को ऐसा दर्द हुआ, मेरा शरीर पूरा सिकुड़ गया, मेरा मन चिल्ला रहा था, और मेरी आंखें उसकी तरफ देख रही थी कि कैसे वो मेरा हत्या करने पे लगा हुआ है, और तभी वो वापस उड़ के चला गया। उस कुछ समय मेरा मुझे इतना चक्कर आया, आंखों के सामने अंधेरा आ गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, महाराज बोल रहे हैं, और मैं अंदर से और बाहर से पूरी तरह से जल रहा था, तप में पसीना आ रहा था जो है, पूरी तरह से कांप रहा था, और मेरे पास कोई चारा नहीं था। तभी मैंने किसी व्यक्ति के आते हुए आवाज सुनी, कोई मेरी तरफ आ रहा था। वो वहां का एक किसान था, और उसने देखा मेरी क्या हालत है, और उसने ये भी देखा कि मेरे ऊपर चील और गिद्दड़ उड़ रहे हैं जो मुझे खाना चाहते हैं। तो उसने मुझे उठा के बैलगाड़ी पर रखा और बैलगाड़ी से अस्पताल की ओर ले गया। अब ये देखिए जैसे हम लोग
प्रभुपाद के जीवन में देख रहे हैं संघर्ष अलग अलग तरीके से, तो वैसे ही हम यहाँ देख रहे हैं राधानंद महाराज के जीवन में भी कुछ कम संघर्ष नहीं है। वो एक संघर्ष से दूसरे संघर्ष में जो है जूझते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। रामायण में एक प्रसंग आता है जहाँ विश्वामित्र मुनि जो है दशरथ महाराज को बोलते हैं, यत तत पुनः जन्म जाया, मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य से आप अपना जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उस पे विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, मतलब हमारा विजय प्राप्त करना मतलब ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, हम लोग जिसमें फंसे हुए हैं, हमारे सब कार्य उस तरह से केंद्रित होने चाहिए जिससे हम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ उसको रोक सके। अगर वो नहीं रोक पाए तो श्रम एवहि केवलम, भागवतम बताता है। तो हमने जीवन में जो कुछ भी किया वो सब व्यर्थ है, वो सब बर्बाद। तो आखिरी के 10 मिनट हम लोग ने सोचा है कि हम गीता का भी चर्चा करेंगे, तो हम जो है गीता के श्लोकों पे आ जाते हैं। तो कल हमने गीता के 19वें श्लोक पर चर्चा किया कि कैसे अलग अलग शंख बजे, और शंख बजना मतलब जो है पांडवों का विजय निश्चित था, और दुर्योधन और उनका टीम का जो है हारना जो है वो भी निश्चित था। तो अभी यहाँ पे 20 से 27 श्लोकों में वर्णन आ रहा है कि अर्जुन जो है पूरे रणभूमि में जो है निरीक्षण करते हैं, और निरीक्षण करते हुए देखते हैं कि कौन कौन युद्ध के लिए आए हुए हैं, वो 20 से 27 श्लोकों में वर्णन है। तो अभी यहाँ पे 20वें श्लोक में आ रहा है अर्जुन जो है उनके झंडे पे, उनके रथ के झंडे पे हनुमान जी थे, और ये जो हनुमान जी का चित्र है वो जो है क्योंकि हनुमान जी वहीं रहते हैं जहाँ राम जी रहते हैं, और हनुमान जी ने राम जी को मदद किया था युद्ध करने में रावण के साथ और विजय प्राप्त हुआ। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं इस समय राम, हनुमान, सीता सब अर्जुन के साइड में, अर्थात कृष्ण भगवान थे, हनुमान जी भी थे, और लक्ष्मी भी वहीं रहती हैं जहाँ कृष्ण भगवान रहते हैं। तो जब वो उन्होंने पूरा युद्ध का देखा तो वो कृष्ण से बात करने लगे, पर प्रभुपाद बताते हैं निश्चित रूप से विजय इनकी होगी क्योंकि यहाँ पे सारे चिन्ह ऐसे दिख रहे हैं कि अर्जुन ही जो है युद्ध में जीतेंगे। तो अर्जुन जो है 22वें श्लोक में बोल रहे हैं, सेनोर उपयोर मध्य रतन स्थापन अच्युत यावदेता ऋषिकेशम योद्धो कामान अवस्थिता। तो सेनोर उभ्योर मध्य, तो यहाँ पे बता रहे हैं सेना के बीच में आप रथ लेके जाइए, सेनोर उभ्योर मध्य, मध्य मतलब बीच में। और क्या बोल रहे हैं, रथम स्थापायता अच्युत, कि आप जो है मेरा रथ लेके जाइए अच्युत। तो अच्युत का मतलब है जिनका कभी पतन नहीं होता, हु नेवर फॉल्स डाउन। तो प्रभुपाद लिखते हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में इनफैलिएबल वन, इनफैलिएबल वन मतलब हिंदी में उसका अनुवाद है जिसका कभी पतन नहीं होता। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं ही हु नेवर फेल्स इन हिज अफेक्शन फॉर हिज डिवोटीज एंड दैट एंड ही इज एड्रेस्ड हियर एज इनफैलिएबल। अच्युत नाम का ये शब्द है का मतलब है वो अपने भक्त को बचाने में, प्रेम करने में कभी भी असफल नहीं होते। तो देखिए हम ऐसे कृष्ण भगवान के साथ जुड़ रहे हैं, हम ऐसे कृष्ण भगवान की भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी भी परिस्थिति में असफल नहीं रहेंगे अपने भक्तों को बचाने में, अपने भक्तों को प्रेम करने में। तो जितना हम उनसे अपना संबंध गहरा करेंगे, जितना हम उनसे घनिष्ठ मित्रता करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, हम हर परिस्थिति में सुरक्षित रहेंगे, ये भगवान का नाम से स्पष्ट होता है अच्युत। तो वो अभी बोल रहे हैं सेनोर उभ्योर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए मेरा रथ और मुझे बताइए कौन कौन युद्ध करने आए हैं। तो अभी देखिए कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभो, 10वें अध्याय में आने वाला है कि जो भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत है सब मैंने बनाया। देखिए हम कितनी बार सुनते हैं कि हाँ भगवान इसके स्तोत्र हैं, तो हमें लगता है हाँ भगवान ने बनाया, पर हम समझ नहीं सकते कि भाई ये क्या शक्ति है भगवान की। प्रभुपाद बताते हैं
कितने प्लैनेट्स हैं? ट्रिलियन प्लैनेट्स हैं, ट्रिलियंस बोलते हैं। तो अगर आप एक ट्रिलियन भी बोले तो एक ट्रिलियन मतलब 1,00,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ प्लैनेट्स जो है, इतने सारे पृथ्वी और इतने सारे लोग जिन्होंने बनाए हैं, उन भगवान की हम पूजा कर रहे हैं। तो मैं कितनी बार सोचता हूँ कि अरे मैं सिर्फ सुबह को ध्यान से जपा कर लूं तो मुझे भगवान कितनी शक्ति दे देंगे, पर मैं ध्यान पूर्वक जपा नहीं करता हूँ। मतलब जपा करता हूँ पर पूरी ध्यान से नहीं हो पाता, क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ भौतिक जगत के 1,00,000 करोड़ लोगों को जो कंट्रोलर है सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड का, और ये सब जो है यूनिवर्सेस के जो एक्सपर्ट्स हैं मटेरियल साइंटिस्ट, वो लोग भी बोलते हैं, अभी उनके बात पे तो हमें ज्यादा विश्वास नहीं है, क्योंकि उनको क्या दिखता है, उनको तो पृथ्वी से ऊपर का कुछ दिखेगा नहीं ज्यादा, अंतरिक्ष में थोड़ा वो स्टेटोस्कोप और ये सब लगा के देख लेंगे वो, या कोई विमान या जो है रॉकेट वॉकेट भेज देंगे, पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते वो। लेकिन हम कृष्ण की जो बात कर रहे हैं वो 1,00,000 करोड़ प्लैनेट्स को संभाल रहे हैं, और ये जो है 1,00,000 करोड़ सिर्फ 1/4 है, 3/4 आध्यात्मिक जगत में है। तो इन दोनों के जो कंट्रोलर है वो है कृष्ण। और ये देखिए कृष्ण क्या कर रहे हैं, रथ चला रहे हैं अपने भक्त की। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान और उनके भक्तों का जो संबंध है वो बहुत ही मधुर है और वो आध्यात्मिक है। तो स्वीट है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बहुत मधुर है, हम जो भगवान के साथ संबंध करने जा रहे हैं वो बहुत मीठा है। ऐसा नहीं है कि भगवान की हम भक्ति करते रहेंगे, हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं सुबह उठने में, जप करने में, और हमको नींद आ रही है, तकलीफ हो रही है, और भगवान वहां बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, अरे नालायक लोग मुझे छोड़ के चले गए, अब देखो भक्ति करते समय कितना स्ट्रगल हो रहा है। नहीं, जब भगवान देखते हैं कि हम संघर्ष कर रहे हैं तो भगवान जो है आतुर हो जाते हैं, भगवान भी उतने उत्सुक होते हैं सेवा करने के। जब वो देखते हैं कि अरे यार ये मेरा भक्त इतना संघर्ष करके सुबह उठ रहा है, नाम जप कर रहा है, तो भगवान भी सख्त उसके संपर्क में आ जाते हैं और बोलते हैं मैं इसकी सारी आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी करूंगा, इसको मैं भक्ति में आगे लेके जाऊंगा। तो यहाँ बोलते हैं प्रभुपाद कि जो है भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है और भगवान भक्त की सेवा करना चाहते हैं। तो लोगों को क्या लगता है, जब हम भगवान की सेवा करने लगते हैं, करने की बात करते हैं, तो लोग बोलते हैं अरे हम क्यों सेवा करें भगवान। अरे भैया आप भगवान की सेवा नहीं करोगे तो पूरी दुनिया की तो सेवा कर ही रहे हो ना। आप ऑफिस में नौकरी कर रहे हो, अपने परिवार का पोषण कर रहे हो, अपनी इंद्रियों का भोग कर रहे हो, अरे सेवा तो पूरी दुनिया की कर ही रहे हो आप, साथ में कृष्ण को जोड़ दो, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं। लेकिन जब आप कृष्ण को जोड़ेंगे तो यहाँ बोलते हैं कृष्ण भगवान भी उतने ही आतुर रहते हैं अपने भक्तों की सेवा करने के लिए। और यहाँ पे देखिए जो हम सुन रहे हैं कि भगवान रथ चला रहे हैं, तो रथ चलाना मतलब गाड़ी चलाने के बराबर नहीं है, क्योंकि जब रथ चलाते हैं, जब युद्ध के समय में अर्जुन के पास समय नहीं है कि वो नीचे आएंगे और कान में बोलेंगे कृष्ण भगवान को कि अभी दाहिने लेके जाइए या अभी बाएं लेके जाइए, वो बोल नहीं सकते, और रणभूमि में इतना आवाज होता है और वो तीर चला रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, सिर्फ जो रथ चलाता है उसके कंधे पे जो है दाहिने और लात मारते हैं, क्योंकि हाथ से तो तीर चला रहे होते हैं, तीर बाण उनके हाथ में होता है, अलग अलग अस्त्र शस्त्र होते हैं, तो पैर से दाहिने कंधे पे लात मार देते हैं, तो वो समझ जाता है सारथी कि उसको दाईं ओर ले जाना, और अगर बाईं ओर जाना है तो बाएं कंधे पे लात मार देते हैं। तो अर्जुन वहां बैठे बैठे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को लात मार रहे हैं और भगवान लात खा रहे हैं, और ये भगवान है। देखिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्त के इतने अधीन होते हैं, लात खाते हुए भी भगवान की अपने भक्तों की सेवा कर। सोचिए अगर हम लोग टैक्सी में बैठे हैं है? और राइट जाना हो, टांग करके कान के नीचे, राइट कान के नीचे बजा दिया ड्राइवर के, फिर लेफ्ट जाना हो ड्राइवर के तो फिर लेफ्ट में बजा दिया, कुछ बोले नहीं, आपको क्या लगता है ड्राइवर शांत बैठेगा? वो भी निकल के मारने लगेगा हम लोग, एक ड्राइवर सहन नहीं कर पाएगा कलयुग का टैक्सी चलाने वाला। और यहाँ भगवान जो है लात खा रहे हैं अपने भक्त का, ये जो है भगवान की श्रेष्ठता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं उसकी कोई इच्छा नहीं होती है युद्ध करने की, लेकिन ये नालायक दुर्योधन ने जो है कोई भी शांति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, इसलिए जोर जबरदस्ती करके उनको युद्ध करना पड़ा। देखिए ये स्पष्ट बता रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त जो होते हैं उनके इच्छा नहीं होती है सब युद्ध करने की और वगैरह वगैरह। तो ये बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं
दुर्योधन उसको कौन कौन मदद करने आया है मैं देखना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद 23वें श्लोक के तात्पर्य बता रहे हैं, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फॉक टूगेदर, अंग्रेजी में कहावत है। तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि जो लोग भी दुर्योधन के साथ जुड़े हैं मस्ट हैव बीन बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, अर्थात कौवे कौओं के साथ ही जुड़ेंगे, हंस हंस के साथ ही जुड़ेंगे। तो ये अंग्रेजी में कहावत है कि जो पंछी जिस गुट का होता है उनके साथ ही घूमता है। तो जो लोग भी दुर्योधन के संग लिए हैं मतलब वो लोग भी ऐसे कपटी होंगे तभी तो दुर्योधन के साथ जुड़े हैं। तो प्रभुपाद पहले स्कंद में बोलते हैं कौओं का जलग जगह अलग होता है, हंस का जलग अलग होता है, कौवे हमेशा कचरे पे ही मिलेंगे। तो वैसे ही भौतिकवादी लोग कचरा रूपी इंद्र भोग के बारे में ही चर्चा करते रहेंगे, उसी में उनका जीवन व्यर्थ जाएगा। और भक्त जो है वो हंस के रूप में, जैसे हंस अच्छे सरोवर में कमल के पास मिलेगा, तो वैसे ही भक्त जो होते हैं वो हमेशा भगवान का कथा भगवान का गुणगान उसके ऊपर ही चर्चा करते रहेंगे। अभी 24वां श्लोक आ रहा है, एवं युक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेन रुग्जोर मध्ये साफायित्वा रथोत्तमम्। अभी ये बोल रहे हैं रथ को बीच में जाके आप लगाइए, सेन रुग्जोर मध्ये, सेना के बीच में मध्य। तो अभी भगवान का नाम आया है ऋषिकेश और भक्त का अर्जुन का नाम आया है गुडाकेश। तो ये गुडाकेश का क्या मतलब है वो बताते हैं प्रभुपाद। गुड़ा का मतलब सोना और गुड़ा का मतलब तमोगुण। तो विशेष रूप से जिसने नींद पे विजय प्राप्त किया हो या तमोगुण पे विजय प्राप्त किया हो वो है अर्जुन, वो है गुड़ाकेश करके प्रभुपाद बता रहे हैं। तो तात्पर्य में आगे बोल रहे हैं 24वां श्लोक कि जो कृष्ण का भक्त है वो कृष्णा भगवान को एक पल के लिए भी नहीं भूल सकता, ये एक भक्त का स्वभाव है। तो देखिए हम लोग जो भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं एक भक्त का स्वभाव क्या है वो बता रहे हैं कि वो हमेशा कृष्णा के बारे में चिंतन करता रहता है। वो बोलते सोया रहे जगा रहे वो हमेशा कृष्णा का नाम कृष्णा के गुण कृष्णा की लीला उसके बारे में स्मरण करता रहता है, ये कृष्ण भगवान का भक्तों का गुण है। तो अभी आगे हम देखेंगे कैसे जो है वो आगे जो है युद्ध में भीष्म द्रोण इन सबको देखते हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है वो सब हम आगे के श्लोकों में कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।